बीजेपी का सबसे पुराने और सबसे स्वाभाविक सहयोगी दल शिवसेना से संबंध खत्म होने की कगार पर है। वजह सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की जिद है कि सीएम तो उसी का बेटा बनेगा, चाहे जो हो जाए। एक उद्धव ठाकरे के बेटे की खातिर पूरी पार्टी शीर्ष शासन कर रही है और महाराष्ट्र की जनता चुपचाप इस खेल को देख रही है। 7 नवंबर तक महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन किया जाना है, उसके बाद संवैधानिक संकट का खतरा है। यही बात बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कही, और अगर 7 नवंबर तक सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। मुनगंटीवार की ये बात शिवसेना को चुभ गई और शिवसेना ने सामना में लिख मारा कि राष्ट्रपति तुम्हारी जेब में है क्या? राष्ट्रपति की मुहर वाला रबर स्टंप राज्य के बीजेपी कार्यालय में रखा हुआ है। अगर महाराष्ट्र में हमारा शासन नहीं आया तो स्टाम्प का प्रयोग कर बीजेपी राष्ट्रपति शासन का आपातकाल लाद देगी। राज्य में सबसे ज्यादा 105 सीटें जीतकर बीजेपी खुद को ठगा महसूस कर रही है और शिवसेना खुद को सत्ता का सबसे चालाक शिकारी साबित करने पर तुली हुई है। शिवसेना किसी भी तरीके से सीएम पद हासिल करने को बेचैन है और इसके लिए कभी शरद पवार तो कभी सोनिया गांधी की तरफ हजरत भरी निगाहों से देख रही है कि कहीं से कोई संकेत मिले। हालांकि शरद पवार और सोनिया गांधी दोनों जल्दी में नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो उद्धव बीजेपी के नहीं हुए उन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि जो आग शिवसेना ने लगाई है उससे बीजेपी के साथ दशकों पुराना गठबंधन तो टूटेगा ही। हो सकता है कि सोनिया गांधी और शरद पवार उद्धव के बेटे आदित्य को सीएम बनवा दें, लेकिन वो सब अस्थाई होगा। बीएमसी चुनाव भी करीब ही है और बिना बीजेपी के उद्धव बीएमसी चुनाव जीत नहीं सकते, मतलब कि बेटे को सीएम बनवाने के चक्कर में उद्धव बीएमसी भी गवा बैठेंगे।